तो पावर बी आई में आज बात करेंगे कनेक्ट द डेटा, हाउ कैन आप अपने डेटा को कैसे कनेक्ट करेंगे, चाहे डेटा छोटा या बड़ा हो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, चलिए इस चीज पे बात करते हैं। तो यहाँ गेट डेटा के अंदर यहाँ आपको दिख रहा होगा एक्सेल, इस एक्सेल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप पहुंच जाएंगे अपने जो डेटा है उस डेटा के अंदर। अब यहां से आप अपना डेटा ले लें जिस डेटा पे आपको करना है, लेकिन डेटा लेने से पहले एक चीज ध्यान रखें कि डेटा के अंदर कोई फालतू किसी तरह का ना हो, डेटा एक डेटा फॉर्मेट में हो। जैसे मैं पिवट वन लेता हूं एंड यहां ओपन करता हूं। जैसे आप ओपन करेंगे तो सामने आपका जो है ना अभी कनेक्टिंग कर रहा है दिखेगा। अब यहाँ पे एक साथ हम कई सारे सी टेबल को ले सकते हैं और उसका रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आप एक बार में एक ही को बता रहे हैं। मतलब एक जैसे तीन सीट है, अब तीनों सीट का डेटा मान लीजिए है तो तीनों सीट का डेटा हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम एक सीट को लिया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अपना डेटा जो आपके सामने दिख रहा है। अब देख लीजिए डेटा में कोई फालतू के कॉलम वगैरह से फील्ड वन फील्ड टू फील्ड थ्री नहीं ना है। अगर ऐसा होगा फिर ट्रांसफॉर्म्स पे जाके उस डेटा को ठीक करना होगा, लेकिन मेरे इस डेटा में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब दो दो तीन सीट पे करना है तो दो तीन सीट पे क्लिक कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। ट्रांसपोज कब करते हैं, जब इसके अंदर किसी तरह की चेंजिंग करना हो, तो क्योंकि ट्रांसपोज पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाते हैं कहाँ पे पहुंच जाते हैं, पावर क्यूरी पर। अब लोड किया, लोड करने के बाद कुछ देर आपका हैंग होगा और ए फील्ड के ऊपर फील्ड होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पावर जो है पावर बी आई है। आप सोचिए कि एक्सेल की तरफ बहुत फास्ट 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 करे तो ये नहीं करेगा। अब बोलेंगे सर मेरा सिस्टम बहुत तेज है, तो जाहिर सी बात है सिस्टम तो मेरा भी ठीक है, आई फाइव है और 20 GB का रैम है मेरे पास। अगर हम देखें, हम दिखाएं आपको माय कंप्यूटर पे दिस पीसी प्रॉपर्टीज, देख सकते हैं 20 GB का रैम मेरे पास भी i5 का है। तो डिपेंड हो आपका। अब दूसरे बात, जब पावर बी चलेगा तो बाकी चीज को भी तो बहुत थोड़ा सा हैंग कर देगा। तो देखिए इसने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद यहां दिख गए। अब बात आती है सबसे पहले डेटा को सही करना, डेटा टाइप को सही करना। तो जब यहां पर आपको दिखेगा डेटा मॉडल, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डेटा कनेक्टेड होगा यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा और जिस पर क्लिक करेंगे उसकी डेटा यहाँ दिख जाएगा। डेटा मॉडल मतलब कि डेटा की टाइप को थोड़ी सी ठीक कर, जैसे कि डेट दिख रहे हो तो डेट फॉर्मेट में। अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपकी फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में आप आराम से रख सकते हो। बट ये फॉर्मेट ठीक करना से आपको उससे आपका मतलब विजुलाइजेशन चेंज होता है, उससे कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन चेंज प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ देखिए डेसिमल में, तो मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और डेसिमल प्लेसेस को ऑटो की जगह पे हम जीरो कर, यहाँ से भी कर सकते हैं, कम कर देते हैं। जीरो कर दिए तो आपका जीरो हो गया। ऐसे ही इसको भी जीरो कर दीजिए। तो इस तरह की डेसिमल्स वगैरह को आप जीरो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमारा परसेंटेज में चाहिए, कितना परसेंट का प्रॉफिट है, तो यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, आपका परसेंट आ जाएगा। तो इस तरह से डेटा की अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज कर ले ताकि जब डेटा कनेक्ट हो तो वहां पे प्रॉब्लम ना हो, वहां पे डॉट डेसिमल इस तरह से ना दिखे। अब डेटा के टाइप को समझिए, डेटा का टाइप आपको यहाँ लिस्ट देख के भी समझ सकते हैं। जैसे कि इस जिसके सामने इस तरह का कैलेंडर लगा है इट मीन्स वो डेट है, डेट और टाइम है। जिसके सामने सम ऑफ का साइन लगा है दैट मीन्स नंबर्स, और जिसके सामने कुछ नहीं है वो क्या है आपका टेक्स्ट है। उसके अलावा रीजन है, जैसे मान लीजिए रीजन बात करते हैं तो वेस्टर्न यूपी देखते रीजन आपका रीजन दिख रहा होगा। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे क्या है टेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्या है कैटराइज, कैटराइज में मैंने कर दिया कि भाई ए जो है ना वो हमारा सिटी है,
तो क्लिक किया, अब इसको उसने रीड करेगा और उस सिटी में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे जॉब आर्टिकल। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि आप अपने इसके अंदर जब रिकनाइज करेंगे ना अपना रीजन को, तो उसको रिकनाइज कर देगा कि डेटा टाइप है। हाँ, इसमें लैंगिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह भी आप आसानी से डाल सकते हैं अगर आपका सिटी अच्छा से। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका स्टेट से क्या है, स्टेट से, लेकिन मैंने क्या सेलेक्ट किया, सिटी सेलेक्ट किया, जो कि गलत है, क्योंकि बिहार नाम का कोई कोई जगह नहीं ना मिलेगा, कोई सिटी नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको स्टेट पे क्लिक करते हैं ताकि हमारा ग्राफ चार्ट में सही तरीके से रीड करे। दूसरा आता है यहाँ पे कटराई, जैसे कि यहाँ ऑर्डर वैल्यू हो गई, सेल्स वैल्यू हो गई, क्वांटिटी सोल्ड हो गई, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज है, अब इसकी समराइज में क्या है, सम करना है, क्योंकि गलत होगा ना, इसको एवरेज कर दे। अब ऐसे इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर जाता हूँ चार्ट पे और इस पे मान लीजिए चार्ट लिया, चार्ट पे मान लीजिए मैंने अपना जोन लिया यहाँ से, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट रख दिया, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका प्रॉफिट का सम कर दिया, यहाँ देखिए 1500%, जो गलत है ना। मान लीजिए कि हमने 5%, 10%, 15%, 20%, 22% से प्रॉफिट लिया हो, तो इसको एवरेज करना सही रहेगा ना, क्या सर, कि एवरेज हमारी कितनी प्रॉफिट हुई। यस तो बाय डिफॉल्ट सम हो रहा है, तो आपको यहां जाके इस पे सम और प्रॉफिट पे जाके फिर इसको एवरेज करेंगे कि हाँ मेरा एवरेज जो है 10%, जो है सेंट्रल में 10% का एवरेज प्रॉफिट होता है, साउथ में हमारा एवरेज जो है वो 8%, 10% समथिंग है वो भी होता है, एवरेज कर रहा है। तो बार बार आपको जब भी आप इस प्रॉफिट वाले फील्ड को अपने एक्सिस में वैल्यू में डालेंगे, हर बार वो क्या करेगा, सम करेगा। तो आप इसकी समराइजेशन को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे सम के जगह पे क्या कर दो, एवरेज कर दो। तो दो चीजें हैं, एक तो है अपना डेटा का फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना, नंबर वगैरह चेंज करना, जैसे कि यहाँ से क्या है डेटा वो चेंज करना, कभी कभी कैसे मान लीजिए डेट जो है ना टेक्स्ट में हो जाता है, तो यहां से डेट को डेट कर दो, कोई नंबर टेक्स्ट में आपको दिख रहा है उसको यहां से नंबर कर दो, ठीक है। उसके अलावा आपका जैसे कि नंबर से कि आपका लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह है, तो उसको यहां से आप यहां पे कैटराइज में जाके लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर सकते हो, या कि कोई सिटी वगैरह है तो सिलेक्ट करके सिटी वगैरह कर सकते हो ताकि वो रिकनाइज कर ले, या वेब का लिंक एड्रेस है, या कोई इमेज का यूआरएल है, या कोई बार कोड है, ठीक है ना सर। ओके ओके ठीक तो पहले है ठीक आपको इसको सेलेक्ट करके डेटा को क्या करना है, कैटराइज कर देना, समझ गए। हाँ और यहां पे अपना डेटा का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे मान लीजिए जोन का ग्रुप क्रिएट किया, हालांकि इसके बारे में आगे बताएंगे आपको, सॉरी इसको जोन पे कर्सर किया और डेटा ग्रुप न्यू ग्रुप, और मैंने यहाँ पे जोन कर दिया लिस्ट किया, और यहाँ पे अपना मेंबर दे दिया जो भी मेंबर चाहिए आप, अगर ग्रुप कर दिया एंड ओके, तो यहाँ पे जोन ग्रुप आ गया, दिख रहा है ना आपको सर। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं इस पे रिपोर्ट बनाऊंगा, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टेबल ही लेता हूँ, टेबल है मैंने जोन ग्रुप का रखा, और यहाँ पे हमने अपनी मान लीजिए क्वांटिटी सोल्ड को रखा, तो यहाँ इकट्ठा सबका देख रहे हैं पूरा टोटल आ रहा है। तो इस तरह से जो है ना आप जोन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको मान लीजिए ना कि आपका सिटी है, तो सिटी में मान लीजिए कि आपका ये इन हाउस जो है आपका चार सिटी इन हाउस का है, तो चार सिटी को क्लब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका इन हाउस हो जाएगा, समझे। तो जहां भी आपको इनवाइस चाहिए होगा तो क्या करेंगे, उन सबको आपस में रख लेंगे,
ठीक है, जैसे एडिट ग्रुप में हमने बोल दिया यहाँ पे कि जोन नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेरा इन हाउस है, जहाँ पे मेरे मेरे अपने कंपनी के चल रहा है। सॉरी एक मिनट, ये इसमें से मैं बेस्ट हटा देता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ, तो अब ये रहा, ठीक है ना। अरे ओके कर, ओके अब यहाँ पे देखिए सेंटर नॉर्थ एंड साउथ का ग्रुप हो गया। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि मैं ईस्ट से लेता हूँ, ईस्ट का ये ग्रुप ईस्ट ही है ना सर। यस नहीं ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इन हाउस को रखा, इन हाउस तो मैं टेबल लेता हूँ, टेबल पे अपना इन हाउस रखता हूँ, ठीक है। तो आप दिख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख पा रहा है आपको, दिख गया ना सर। तो हाँ हाँ इसमें क्या हुआ कि मेरा समझ नॉर्थ और इसका एक बन गया सर, गया। बाकी नीचे आया, बाकी के नीचे आ गया। ओके ठीक है, ओके अब यहां पे बोलेंगे कि यहां इन हाउस हो गया, ठीक है चलिए। तो ये चीजें हम पहले डेटा को कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना आगे चीजों पे बढ़ते हैं। चाहे डेटा किसी चीज से आप ले, जरूरी नहीं कि डेटा को आपने इससे लिया हुआ। दूसरी चीज, अगर मैं यहां किसी तरह का फिल्टर लगाता हूं, ऐसा नहीं कि मैंने यहां पे मान लीजिए साउथ कर दिया तो रिपोर्ट मेरा सिर्फ साउथ का ही बनेगा, नहीं, यहां जो डेटा विजुअल हो रहा है उससे रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके ठीक यहां आपने राउंड, यहां पे मैंने विजुलाइज राउंड किया है तो डेटा में वो सब डेसिमल जो है सब लेंगे, सिर्फ 1.1.0 1.0, यहाँ पे आपको 1.1 दिख रहा है, 1.50 1.50 यहाँ पे 1.1 दिख रहा है, लेकिन रिपोर्ट में फिर वो 2 हो जाएगा, क्योंकि वो 3 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि इसमें विजुअल्स उसको मतलब नहीं, समझ गए। तो यहाँ हम देखने के लिए अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इसमें लाने के बाद हमें यही होता है कि थोड़ी सी अपनी कैटेगरी वगैरह चीजें चेंज करनी पड़ती है, ठीक है ना। समराइज वगैरह और बाकी चीजें वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आ रहा है तो हम इसमें बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हैं, काउंट कर देते हैं कि भाई काउंट कर ले, ठीक है ना। तो ये चीज हम यहाँ से ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना ले। इसके अलावा यहाँ न्यू कॉलम है जहाँ पे कैलकुलेट करके हम नया कॉलम डालते हैं, वो तो हम आगे क्लास में सिखाएंगे। फिलहाल तो हम डेटा को लोड करके रेडी प्रिपेयर टू रिपोर्ट करेंगे, हम अपने रिपोर्ट को प्रिपेयर कर, ठीक ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, है नहीं नहीं तो इसको कीजिए, आज के लिए इतना है, कल मिलते हैं इस टाइम में।